हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है क्योंकि हमने मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्पिन, जो कैलिंगपोंग में है। अगर यहाँ के लोकल्स देख रहे तो उनको पता चलेगा, लेकिन जो दिल्ली मुंबई से देखते हैं उनको बता दो कि कैलिंगपोंग हिल स्टेशन में है ये दुर्पिन करके। एक बहुत ही अच्छा प्लेस है, हम लोग कभी गए नहीं इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच भी गए एंड नीचे यहाँ पे इको पार्क, कुछ पार्क है यहाँ पे जो बहुत ही ग्रीन एंड क्लीन है, एकदम क्लीन है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा वो नहीं है, बहुत ही क्लीन है। एंड इसके नीचे ना गोल्फ़ कोर्स भी है, हमें तो दिख रहा था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वीडियो में नहीं कैप्चर हो पाया। तो यहाँ पे नीचे गोल्फ़ कोर्स भी है जो आर्मी गोल्फ़ कोर्स है। और ये हम लोग अभी डिफेंस एरिया में एंटर हुए हैं, ये डिफेंस लैंड है, आर्मी का है, बट हमें एंटर करने की परमिशन मिल गई एंड बहुत सारे लोग अंदर थे। तो यहाँ पे ना सराउंडिंग इतना क्लीन ग्रीन है, यहाँ पे राइड करने में बहुत मज़ा आता है एंड यहाँ पे ऐसे वॉक करने में भी बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, एकदम पीसफुल है। तो हम लोग यहाँ पे अंदर राइड कर रहे हैं, अंदर हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं आर्मी कैंप में। तो ये जो पूरा है ये पूरा डिफेंस लैंड है, आप लोग देख सकते हो आर्मी की गाड़ियाँ हैं, सोल्जर्स यहाँ पे हैं। तो हमारा बाइक से उतर के घूमने का तो कोई इरादा नहीं है क्योंकि हमें मार्केट वापस जाना भी है और हम लोग ऐसे ही राइड ही कर रहे हैं, देख रहे हैं सराउंडिंग्स में। तो ये जो बिल्डिंग्स देख रही है ये आर्मी क्वार्टर्स है शायद, हाँ शायद नहीं, ये डिफेंस एरिया है। तो ये जितने भी बिल्डिंग्स सराउंडिंग में है ये सभी आर्मी क्वार्टर्स हैं एंड आप एरिया देख सकते हो कितना क्लीन है एंड कितना मतलब हरा भरा है। मैं बार बार क्लीन एंड ग्रीन बोल रही हूँ क्योंकि सच में यहाँ पे बहुत क्लीन है, बहुत ग्रीन है। तो हम लोग राइड करते करते नीचे जा रहे हैं और अब हम वापस घर जाएंगे। यहाँ पे गोल्फ़ कोर्स है, यहाँ पे मोनेस्ट्री भी है, बट हम लोग कहीं इधर उधर नहीं जा रहे क्योंकि हमें जल्दी जल्दी वापस भी जाना है। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं एंड हम लोग जाके यहाँ पे मार्केट में मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, अपने लिए नहीं, कुछ गिफ्टिंग के लिए शॉपिंग करनी है, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए शॉल्स और ये सब ख़रीदना था। तो मैं जस्ट ट्राई कर रही थी, देख रही थी कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, थोड़ी सी नहीं कुछ ज़्यादा ही करनी है, बट अपने लिए नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ गिफ्टिंग पर्पज़ के ले रही हूँ। एंड यहाँ पे एक मोटर स्टैंड के पास में एक स्टोर मिला जो काफ़ी अच्छा था, मतलब यहाँ पे प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस थे एंड कपड़े की क्वालिटी और वहाँ का जो ओनर का बिहेवियर था वो भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मोस्टली इंडियन वेयर ही मिलता है, जैसे कुर्ती होगी, साड़ी, शॉल्स, ये सब यहाँ पे मिलता है। तो ये शॉपिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए हैं खाना खाने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो कुमार इज़ हैविंग चिकन नूडल सूप वाला एंड मैं चिकन चाउमीन खा रही हूँ क्योंकि चाउमीन मेरा बहुत बहुत फेवरेट है। तो ये खाने के बाद अब हम घर जाएंगे। हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इट्स 9 o'clock एंड वहाँ से मैंने वीडियो व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज खाना खाने के बाद में मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं फील हो रहा था। कभी कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे मोस्टली हेडेक होता है, तो मुझे हेडेक स्टार्ट हो गया था, इसलिए मैं व्लॉगिंग किए बिना हम लोग डायरेक्टली घर आ गए थे। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ी देर सोई एंड अभी बहुत बेटर फील हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।